आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। ये भी लीनियर इनइक्वालिटीज का ही पार्ट है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे किया जाता है और लीनियर इनइक्वालिटीज में सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल था। आज से हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल शुरू करेंगे। तो जिन दोस्तों ने वन वेरिएबल का वीडियो नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से चारों पार्ट को देख लें। तो चलिए दोस्तों आज के लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल क्या होता है, किसको कहते हैं। द लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, द इनइक्वालिटी विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज स्मॉलर देन जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज स्मॉलर देन आर इज इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा इनइक्वालिटी जो किस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन जीरो हो या फिर ग्रेटर देन जीरो हो या फिर लेस देन और इक्वल टू जीरो हो या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में जो होगा वही लिनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल में होगा। तो इसको हम लोग अब डायरेक्ट ग्राफ पर नहीं चलेंगे। ग्राफ पर चलने से पहले हम लोग को जान लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन्स। कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन्स क्या होता है, तो देखिए दोस्तों टेंथ में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। कार्टेशियन प्लेन का नाम तो सभी लोग जानते ही होंगे। यह हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। तो दोस्तों कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस ये और ये वाई एक्सिस होता है दोस्तों। तो जब हम लोग यहां से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो इसके इस पार्ट को हम लोग लेफ्ट हाफ प्लेन कहते हैं और इस पार्ट को राइट हाफ प्लेन कहते हैं। दोस्तों अब देखिए ये जो है वर्टिकल लाइन ये दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है इसको। अब आप कहेंगे कि यहां पर तो हमें दो इक्वल पार्ट दिख नहीं रहा, तो दो इक्वल पार्ट में बांटा कैसे। देखिए दोस्तों ये जो लाइन जा रहा है, ये जो जा रहा है, तो लाइन जब चलता है तो लाइन सेगमेंट ये नहीं है, ये एक लाइन है और ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये लाइन इन्फिनिटी तक जा सकता है और ये जो ऊपर जो ये हॉरिजेंटल लाइन जा रहा है तो ये भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसी कारण और फिर इधर लेफ्ट साइड में भी ये इन्फिनिटी तक जा सकता है दोस्तों। लेफ्ट में भी इन्फिनिटी तक जा सकता है, राइट में भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको लेफ्ट कहते हैं कि ये लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन दो इक्वल पार्ट में बटे हुए हैं। समझ गए दोस्तों, लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन दो इक्वल पार्ट में बटे हुए हैं। इसी तरह एक और होता है, जब हम इसको ऐसे काट देंगे, ऐसे यदि हम लोगों ने इसको काट दिया तो इसका भी नाम हो जाता है, एक का नाम अपर हाफ प्लेन और एक का नाम लोअर हाफ प्लेन। दो नाम से जाना जाता है, एक ऊपर वाले पोर्शन को अपर हाफ प्लेन के नाम से जाना जाता है और नीचे वाले पोर्शन को लोअर हाफ प्लेन से। तो ये थे कि कितने डिफरेंट टाइप के हाफ प्लेन्स होते हैं, एक लेफ्ट हाफ प्लेन, दूसरा राइट हाफ प्लेन,
तीसरा अपर हाफ प्लेन और चौथा लोअर हाफ प्लेन। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या डिफरेंट टाइप से उसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल जो होता है उसको ग्राफ पर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो इसको लिख सकते हैं दीज आर दी सेट विच सेटिस्फाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि एक ऐसा सेट है सॉल्यूशन जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर देता है। तो अब कैसे साबित करता है ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और उसी एग्जांपल से मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक लिया हमने 2x प्लस, या फिर छोड़िए 2x को हटाइए, 3x प्लस वाई इज स्मॉलर देन जीरो। तो दोस्तों अब देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा है 3x प्लस वाई इज स्मॉलर देन जीरो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को सबसे पहले जैसे हम लोग नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन में बनाते थे, यानी कि हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब यदि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो हम लोग जो बनाते थे 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसको जो हम लोग ग्राफ पे दिखाते थे सेम वही वाला फंडा अपनाएंगे यहाँ पर भी, ये एक्स और ये वाई। तो सपोज कीजिए कि हम लोग लिए एक्स को लिए हम लोग क्या, एक्स को लिए जीरो। तो एक्स को यदि जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू जीरो प्लस वाई जीरो, वाई भी जीरो हो गया। अब एक्स को हम लोग ले लेते हैं 1 लेते हैं x को, तो y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा दोस्तों, y आपको हो जाएगा x को यदि 1 लेंगे, या फिर y को 0 लेते हैं, y को 0 लेते हैं तो बात वही रह जाएगा। इसके लिए x को ही 1 लेना ठीक रहेगा। तो x को 1 लिए तो y हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, y हमारा -3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्लेन पे अब मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा बन गया, अब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए दोस्तों ये ओरिजिन 0 0 रहता है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके इधर -1 -2 -3 -4, फिर इधर -1 -2 -3 -4, फिर इधर 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग का पहला कोऑर्डिनेट था 0 0, एक्स भी 0 था और वाई भी 0 था। तो यदि एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक्स 0 और वाई 0, यानी कि ये कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद एक्स हो गया आपको 1, एक्स हो गया आपको 1 और y हो गया -3, यानी कि ये आपको कहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग इस दोनों को मिला देते हैं,
इस दोनों को हम लोगों ने दोस्तों मिला लिया। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों जब मिल गया तो हम लोग को यदि सीधा रहता कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन लेकिन यहां पर अब एक दिक्कत यह है कि 3x प्लस वाई जो है स्मॉलर देन जीरो है। यदि 3x प्लस वाई स्मॉलर देन जीरो है तो यानी कि ये जो लाइन पर जो नंबर है ये इसके वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कहने का ये मतलब हुआ, आप बात को गौर से समझिएगा, कि यहाँ पे यदि हम लोग सपोज कीजिए कि 1 ले लेते हैं, 3 × 1 प्लस वाई का वैल्यू -3 है, तो 3 − 3 तो 0 > 0 तो नहीं होगा, 0 > 0 नहीं होगा। फिर यदि दोनों को 0 ले लेते हैं तो फिर भी वही बात आ गया कि 0 > 0 नहीं होगा। तो यानी कि क्या होगा, तो लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन यदि 0 होगा तो हम लोग क्या ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यदि यहाँ पे यदि हम इस लाइन पे यदि कोई भी पॉइंट आएगा तो वो इस वैल्यू को लेस देन 0 नहीं प्रूफ करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक और ग्राफ फिर बना लेते हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत रहेगी, नहीं तो समझाने के लिए हम लोग इस ग्राफ पे भी समझ सकते थे लेकिन इसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए मैं दूसरा ग्राफ यहाँ बना ले रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग का दूसरा ग्राफ रेडी हो गया है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग जो इसको सॉल्व कर किए थे तो यहाँ पर हम लोग को क्या आया था, 1.00 था और एक 1 और -3 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है यदि हम लोग दोनों जगह 0 ले लें, यानी कि 3 × 0 3x प्लस वाई इज स्मॉलर देन 0, तो यदि दोनों जगह 0 का वैल्यू पुट करें तो 3 × 0 + 0 इज नॉट स्मॉलर देन 0, यानी कि स्मॉलर देन 0 नहीं होगा, वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को किधर लेना पड़ेगा तो स्मॉलर देन 0 आएगा। तो सपोज कीजिए कि हम लोग 3 को ले लिए -1, 3 को हम लोग ले लिए x को ले लिए -1 और y को ले लिए, और y को ऐसे ही यदि छोड़ दिए तो क्या आएगा, तो y 3 के बराबर हो जाएगा। रुके, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। यदि हम लोग 3 को ले लिए -1 और उसके बाद y का वैल्यू निकालेंगे तो 3 को -1 लेने के बाद y का वैल्यू फिर अलग आएगा। तो इसके लिए हम लोग का जो ये पॉइंट जो जा रहा था यहाँ से ऐसे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को यदि 0 0 का वैल्यू लेते तो वो सूट नहीं किया उस पर, यानी कि वो दोनों बराबर ही आ जाता। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 0 0 से कम आना पड़ेगा कोऑर्डिनेट में। तो 0 0 से यदि कम आएंगे तो -1 - 2 इस पर आ सकते हैं। तो यदि इस पर आए तो हम लोग को इसमें दिखाना पड़ेगा ये इधर से एरो और ये इधर से ऐसे एरो, और ये हो गया आपको शेडेड रीजन, इस रीजन को आपको शेड कर देना है कि ये जो पूरा रीजन जो है पूरा में से, क्योंकि 3x प्लस वाई इज स्मॉलर देन 0 तो इसको प्रूफ करने के लिए इनफाइनाइट वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लेस देन यानी कि लोअर हाफ पार्ट में ये आ जाएगा और इसीलिए हम लोग इसको पूरा सेट कर देंगे। तो ये जो पोर्शन आया सेटेड पोर्शन, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसी देयरफॉर बी ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई इज स्मॉलर देन 0 इज इन लोअर हाफ।
ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यदि हम लोग को यही पे रहता कि 3x plus y is smaller than 0, यहाँ पे 3x plus y, sorry, 3x plus y smaller than 0 था, अब 3x plus y यदि रहता है greater than 0, तब कैसे करते हैं हम लोग? 3x plus y यदि greater than 0 रहेगा तब कैसे करेंगे? तो हम लोग को इसका जरूरत सब में पड़ेगा, या तो स्मॉलर रहे या फिर ग्रेटर रहे, दोनों में हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये लाइन हम लोग को इधर आया, यहाँ से एक से यहाँ से क्रॉस करते हुए इधर चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को 1, 2, 3, 4 जो था उसको वैसे ही यथावत छोड़ देना है, जो जैसे था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को 3x plus y greater है 0 से, यानी कि ऐसा वैल्यू पुट करना है जो कि 3x plus y के वैल्यू को ग्रेटर कर दे। तो यदि हम लोग ये वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू सूट नहीं करेगा, तो यदि ये वैल्यू सूट नहीं करेगा तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? अब लेस देन में यदि लेस देन था 3x plus y, तो हम लोग लोअर हाफ में आए थे, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अपर हाफ में जाना पड़ेगा। यानी कि यदि कोई इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो हम लोग को अपर हाफ में जाना पड़ेगा, और यदि स्मॉलर देन जीरो रहेगा तो हम लोग को लोअर हाफ में आना पड़ेगा। कहने का ये मतलब हुआ आपको कि आपको पहले जीरो जीरो को, यानी किसी भी कोऑर्डिनेट में जीरो जीरो को पुट करके देखिएगा। यदि आपको जीरो जीरो पुट करने के बाद आ जा रहा है एकदम एक्यूरेट, सेटिस्फाई कर दे रहा है उस पॉइंट को, तो यानी कि आपका जो इक्वेशन है वो उसी जीरो जीरो के पॉइंट में आएगा, और यदि नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है तो यानी कि वो आपको दूसरे साइड उसका बन जाता है। अब एक बात और दोस्तों, आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर यदि हम लोग को ये लाइन, यानी कि ये जो लाइन आया, ये यदि नहीं वैल्यू आ रहा है, इस लाइन पे यदि वैल्यू नहीं आ रहा है, तो हम लोग को इस लाइन को क्या, हम लोग ऐसे ही लाइन दिखाएंगे? तो नहीं दोस्तों, इस लाइन को हम लोग ब्रोकन लाइन से दिखाएंगे। किस लाइन से दिखाएंगे? ब्रोकन लाइन से दिखाएंगे, और यहां पे भी हम लोग ब्रोकन लाइन से इसको शो करेंगे, क्योंकि यहां पर स्मॉलर देन जीरो है, ठीक है, स्मॉलर देन जीरो है, तो दोनों जगह ब्रोकन लाइन से शो करेंगे। लेकिन यदि यहीं पे, क्योंकि इनइक्वालिटी चार टाइप के होते हैं, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ दो की ही बात की, लेकिन यदि यहीं पे इज इक्वल टू जीरो रह जाता और यहाँ पे भी इज इक्वल टू जीरो रह जाता, तो हम लोग ब्रोकन लाइन से नहीं, फुल्ली स्ट्रेट लाइन से, यानी कि इस तरह हम लोग इसको दिखा देते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं फुल्ली लाइन से, विदाउट ब्रोकन लाइन एनीवेयर। तो दोस्तों ये था कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे करना था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन पर जैसे बनाते थे, इज इक्वल टू में जो रहेगा जिस तरह से, उसी तरह से सेट करते हुए चलेंगे, इज इक्वल टू वाला लेके। उसके बाद फिर जैसा रहेगा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, उसको उसके हिसाब से पुट करना पड़ता है, क्या करेंगे? तो उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग कि क्या वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है वैसा सेट जो कि प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर दे। तो यानी कि सॉल्यूशन जो हम लोग को आया वो स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर पा रहा है या नहीं, इस चीज को हम लोग को देखना है। तो इस चीज को देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो पॉइंट बनेगा वो अपर हाफ में बनेगा या फिर लोअर हाफ में बनेगा। यदि अपर हाफ में बनेगा तो उसको हम लोग अपर हाफ के तरफ से दिखाएंगे, और यदि लोअर हाफ में बनेगा तो लोअर हाफ के तरफ से दिखाएंगे। और उसके बाद यदि जैसे कि इनइक्वालिटी में यदि लेस देन और ग्रेटर देन का सिर्फ साइन रहा, तो हम लोग ये जो लाइन पड़े, लाइन जो जाता है स्ट्रेट, उसको हम लोग ब्रोकन लाइन से दिखाएंगे। और यदि स्मॉलर देन और इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का साइन रहा, तो हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन से ही दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि आपको लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे होता है।
तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल चैप्टर भी समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।